हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम इन वीके कंपटीशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में नर्मदा नदी के बारे में फुल डिटेल में देखेंगे कि नर्मदा नदी की क्या है, उसकी सहायक नदियाँ क्या क्या हैं, उस पर परियोजनाएँ कौन कौन सी चल रही हैं, कितने जिलों में बह रही है, सभी डिटेल, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। और मुहाना कहाँ है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होती है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है या पश्चिम की ओर जाती है। टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से बाएं ओर 22 मिलती हैं और दाएं ओर 19 सहायक नदियां मिलती हैं। नर्मदा में बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां जो हैं, उनमें थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं और दाईं तरफ से हिरण, बारना, कोलार, मान व हथनी आदि नदियाँ आकर मिलती हैं। आइए इसे डायग्राम के रूप में देखते हैं। ये देखिए नर्मदा की सहायक नदियों का डायग्राम। ये अमरकंटक से नर्मदा नदी बह रही है, जिसमें दाएं ओर से ये नदियां मिल रही हैं, बाएं ओर से ये, जिनमें प्रमुख हैं दाएं ओर से हिरण नदी, बारना नदी, कोलार नदी, चोरल, मान और हथनी, और दाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं थावर नदी और बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर, तवा, छोटी तवा, सुक्ता नदी, कुंडा नदी और गोई नदी। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी पर जो प्रमुख परियोजना है वो कौन कौन सी है। प्रमुख परियोजना में थावर परियोजना मंडला में, अवंतीबाई परियोजना जबलपुर, इंदिरा सागर खंडवा, देजला देवड़ा खरगोन, महेश्वर खरगोन, मानधार, चंद्रशेखर अलीराजपुर, लोअर गोई बड़वानी, सरदार सरोवर, नर्मदा जिला गुजरात। देखिए इस डायग्राम द्वारा सभी परियोजनाओं के बारे में। थावर परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, बारना परियोजना, तवा परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर, महेश्वर परियोजना, मान परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना, लोअर गोई परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। आइए अब हम आ गए हैं मध्य नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात के बारे में। तो देखिए कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये सब कहाँ हैं? अमरकंटक में। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है, मंदाता व दर्दी जलप्रपात खंडवा में है, सहस्त्र धारा जलप्रपात खरगोन महेश्वर में है, जारवानी जलप्रपात गुजरात में। अब इसको डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है कि कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये सब अमरकंटक में, धुआंधार जलप्रपात, दर्दी, मंदाता, सहस्त्रधारा और जारवानी, ये हमने जलप्रपात देख ली। अब हम देखते हैं मध्य नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने जिलों से बहती है। आइए सबसे पहले हम नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट देखते हैं। तो एक है गौरी घाट, ये जबलपुर में है। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गोकंब का आयोजन किया गया था। सेठानी घाट होशंगाबाद में है। बरमान का घाट गाडरवाड़ा या नरसिंहपुर में है। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। महेश्वर घाट खरगोन में है। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। अब कोई पूछे कि नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, तो 15 जिलों से होकर बहती है, जिनके नाम है, इसको हम मैप पर देख लेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। ये देखिए 15 जिलों के नाम, अनूपपुर से शुरू हुए, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो नर्मदा नदी के बारे में विशेष तथ्य हैं उनके बारे में। आइए विशेष तथ्य में जानते हैं। तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा है। ये मालूम होगी आपको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, लेकिन क्या मालूम नहीं होगा
ये 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। अब इसके वास्तुकार का नाम पूछ लिया जाए तो इसके वास्तुकार है राम सुतार। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक किया गया। नर्मदा नदी का नाम नामोदोस भी है, जो टॉलमी जो इतिहासकार थे उन्होंने दिया था। इसके अलावा रेवा मेकल सुता व शंकरी या शंकर पुत्री कहते हैं। नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर या खुशी की नदी भी कहा जाता है। तीरे तीरे नर्मदा के रचनाकार जबलपुर निवासी अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र कहा जाता है। टोर टोर महाशीर मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा नदी पर महाशीर मछली प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये थे नर्मदा नदी से जुड़े सभी फैक्ट एक छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। चूँकि ये फैक्ट ही फैक्ट हैं तो आप इसको पॉज करके या दोबारा देखकर कंप्लीट कीजिए, ऐसे ही डायग्राम बनाइए जिससे याद करने में आसानी हो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।